हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं जैव निम्नीकरणीय बहुलक क्या होते हैं। जैव निम्नीकरणीय बहुलक के बारे में ध्यान समझिएगा। जैव निम्नीकरणीय बहुलक क्या है? अनेक बहुलक पर्यावरणीय निम्नीकरणीय प्रक्रमों के प्रति सर्वदा प्रतिरोधी होते हैं। ठीक है, अनेक बहुलक ऐसे हैं जो पर्यावरणीय निम्नीकरणीय प्रक्रम के प्रति सर्वथा प्रतिरोधी होते हैं, पर्यावरण के द्वारा गलाए नहीं जा सकते हैं, और इस प्रकार यह बहुलक ठोस अपशिष्ट द्रव्यों के संचरण के लिए जिम्मेदार होते हैं। ये बहुलक जो है पर्यावरण के द्वारा निम्नीकरण इनका नहीं किया जा सकता है, इनको गलाया नहीं जा सकता है, अतः ये बहुलक जो है ठोस अपशिष्ट द्रव्यों के संचरण के लिए जिम्मेदार होते हैं। यह ठोस अपशिष्टों से गंभीर पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इन ठोस अपशिष्टों से गंभीर पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न होती हैं और काफ़ी लंबे समय तक अनिम्नीकृत रूप में यह पड़े रहते हैं। ठीक है, सामान्य जानकारी और बहुलक ठोस अपशिष्टों द्वारा उत्पन्न समस्याओं को ध्यान में रखते हुए कुछ नए जैव निम्नीकरणीय संश्लिष्ट बहुलकों को अभिकल्पित और विकसित किया गया है। ठीक है, तो सामान्य जानकारी और बहुलक ठोस अपशिष्टों द्वारा उत्पन्न समस्याओं को ध्यान में रखते हुए कुछ नए जैव निम्नीय संश्लेषित बहुलकों को अभिकल्पित और विकसित किया गया है। इन बहुलकों में जैव बहुलकों में उपस्थित प्रक्रियात्मक समूहों के सदृश प्रक्रियात्मक समूह पाए जाते हैं। ठीक है, ये जो जैव निम्नीकरणीय बहुलक हैं इनमें जैव बहुलकों में उपस्थित प्रक्रियात्मक समूह के जैसा प्रक्रियात्मक समूह पाए जाते हैं। एलिफैटिक पॉलिएस्टर जैव निम्नीकरणीय बहुलक का एक महत्वपूर्ण वर्ग है। एलिफैटिक पॉलिएस्टर जैव निम्नीय बहुलकों का एक महत्वपूर्ण वर्ग है। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण आप देख सकते हैं जैव निम्नीकरण बहुलक का। पहला है आपका पॉली बीटा हाइड्रॉक्सी ब्यूटरेट। पॉली बीटा हाइड्रॉक्सी ब्यूटरेट को बीटा हाइड्रॉक्सी वैलरेट भी कहा जाता है, PHBB। पॉली बीटा हाइड्रॉक्सी ब्यूटरेट को बीटा हाइड्रॉक्सी वैलरेट भी कहा जाता है। यह कैसे बनता है? यह थ्री हाइड्रॉक्सी ब्यूटेनाइकम्ल और थ्री हाइड्रॉक्सी पेंटेनाइकम्ल के सहबहुलकन से प्राप्त होता है। ठीक है, यह थ्री हाइड्रॉक्सी ब्यूटेनाइकम्ल और थ्री हाइड्रॉक्सी पेंटेनाइकम्ल के सहबहुलकन से प्राप्त होता है। PHBB का उपयोग विशिष्ट पैकेजिंग, अस्थियों में प्रयुक्त युक्तियों और औषध के नियंत्रित मोचन में किया जाता है। पर्यावरण में PHBB का जीवाणुविक निम्नीकरण हो जाता है। ठीक है, पर्यावरण में PHBV का जीवाणुओं के द्वारा निम्नीकरण हो जाता है। ठीक है, तो आप जैव निम्नीकरण बहुलक के बारे में पढ़ रहे हैं। आपको बताया गया कि अनेक बहुलक जो हैं पर्यावरणीय निम्नीकरणीय प्रक्रमों के प्रति सर्वथा प्रतिरोधी होते हैं, और इस प्रकार यह बहुलक ठोस अपशिष्ट द्रव्यों के संचयन के लिए उत्तरदायी हैं। यह ठोस अपशिष्टों से गंभीर पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न होती है और काफ़ी लंबे समय तक अनिम्नीकृत रूप में यह पड़े रहते हैं। सामान्य जानकारी और बहुलक ठोस अपशिष्टों द्वारा उत्पन्न समस्याओं को ध्यान में रखते हुए कुछ नए जैव निम्नीकरण संश्लिष्ट बहुलक को अभिकल्पित और विकसित किया गया है। इन बहुलकों में जैव बहुलकों में उपस्थित प्रक्रियात्मक समूह को समूह के सदृश प्रक्रियात्मक समूह पाए जाते हैं। एलिफैटिक पॉलिएस्टर जैव निम्नीकरणीय बहुलक का एक महत्वपूर्ण वर्ग होता है। एलिफैटिक पॉलिएस्टर जो है जैव निम्नीय बहुलकों का एक महत्वपूर्ण वर्ग है। कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण निम्नलिखित हैं, जैसे पहला है आपका पॉली बीटा हाइड्रॉक्सी ब्यूटरेट को पॉली हाइड्रॉक्सी वैलरेट भी कहा जाता है, PHBV। यह थ्री हाइड्रॉक्सी ब्यूटेनाइकम्ल और थ्री हाइड्रॉक्सी पेंटेनाइकम्ल के सहबहुलकन से प्राप्त होता है। PHBV का उपयोग विशिष्ट पैकेजिंग, अस्थियों में प्रयुक्त युक्तियों और औषध, ठीक है, और औषध के नियंत्रित मोचन में भी होता है। तो PHBV का उपयोग विशिष्ट पैकेजिंग, अस्थियों में प्रयुक्त युक्तियों और औषध के नियंत्रित मोचन में भी होता है। पर्यावरण में PHBV का जीवाणुविक निम्नीकरण हो जाता है। ठीक है, तो इसका निर्माण आप देखें, थ्री हाइड्रॉक्सी ब्यूटेनोइक अम्ल है आपका और यह है आपका थ्री हाइड्रॉक्सी पेंटेनोइक अम्ल। ठीक है, और बनेगा आपका PHBV। ठीक है,
दूसरा आपका आता है नायलॉन टू, नायलॉन टू या नायलॉन सिक्स इसे कहेंगे, नायलॉन टू नायलॉन सिक्स। यह ग्लाइसिन, ग्लाइसिन NH2CH2COOH, ग्लाइसिन और एमिनो कैप्रोइक अम्ल। नायलॉन टू नायलॉन सिक्स जो है ग्लाइसिन और एमिनो कैप्रोइक अम्ल का एकांतर पॉलीएमाइड सहबहुलक है और जैव निम्नीय है। नायलॉन टू नायलॉन सिक्स जो है ग्लाइसिन और एमिनो कैप्रोइक अम्ल का एकांतर पॉलीएमाइड सहबहुलक है और जैव निम्नीय है। ठीक है, तो यह थे आपके जैव निम्नीकरण बहुलक जो आसानी से गलाए जा सकते हैं। पहला आपने देखा पाली बीटा हाइड्रॉक्सी ब्यूटरेट को, जिसे बीटा हाइड्रॉक्सी वैलरेट भी कहते हैं PHBV के बारे में, और दूसरा नायलॉन टू नायलॉन सिक्स के बारे में। यह ग्लाइसिन और एमिनो कैप्रोइक अम्ल का एकांतर पॉलीएमाइड सहबहुलक होते हैं और यह जैव निम्नीकरण होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।